गाइस तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने डाउनलोड किए हुए सॉन्ग को जियो ट्यून में कैसे सेट करते हो। जैसे कि ये कंगना सॉन्ग है एंड ये जियो सावन में अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी है तो आपको रिक्वेस्ट है जियो ट्यून का ऑप्शन दे रहा होगा, लेकिन मैंने इसको लगा कर रखा है, ये प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी तुरंत। उससे पहले इस सॉन्ग को आप लोग सुन लो। तो गाइस जैसा कि आप लोग ने सुना एंड ये जियो सावन में अवेलेबल नहीं है एंड हम लोग आज विदाउट जियो सावन का जियो ट्यून लगाएंगे ये वाला सॉन्ग के। उससे पहले मैं आप लोग को खुद अपना प्रूफ दे देता हूँ। देख लो इस सॉन्ग को मैंने ऑलरेडी लगा कर रखा है। मैं अपना सब्सक्रिप्शन में दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पर माय सब्सक्रिप्शन एंड यहाँ पर आप लोग ये सॉन्ग सुनो। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने सुना एंड यहाँ पर अब बात आती है कि भाई मैंने कैसे सेट किया और आप कैसे सेट करोगे। तो सिंपल सा हम लोग विदाउट जियो सावन का सेट करेंगे आज, इस वाले ऐप्स को यूज़ भी नहीं करेंगे। ओके तो सिंपल सा आप लोग को आ जाना अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है जियो ट्यून, ठीक है। जियो ट्यून सर्च करते हैं, आप लोग को पहला वाला वेबसाइट जो होगा साइट उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालना है। मोबाइल नंबर डाल के मैंने ऑलरेडी मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आप लोग को डैशबोर्ड में जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मोबाइल में जैसी मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी लगा के कंप्लीट कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। देन यहाँ पर आप लोग इसके 3 डॉट पे जाओगे, यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट पे जाओगे। ओके हेल्प एंड सपोर्ट पे जाने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग ऑप्शन शो करेगा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को जाना ईमेल अस पे। ईमेल अस पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा यहाँ पर अपना नेम डालना है। नेम डालने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जियो वाला, उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। प्रोडक्ट सर्विस में आप लोग को सिंपल से लिख देना है जियो मोबाइल, ठीक है जियो मोबाइल। उसके बाद यहाँ पर गाइस आप लोग को क्या करना है, इस सॉन्ग का लिंक डाल देना है आप लोग को, यही नहीं कि कंगना सॉन्ग ही का, किसी भी सॉन्ग का, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक मिनट, वीडियो को स्किप मत करना, यहाँ पर मैं इस सॉन्ग को ले लेता हूँ कंगना, ठीक है। इस सॉन्ग को लेने के बाद गाइस यहाँ पर इस सॉन्ग का मैं लिंक जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ क्रोम ब्राउज़र में आते हैं। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद इस सॉन्ग का लिंक को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके डैश में लिख देंगे आई वांट दिस कॉलर ट्यून, आई वांट दिस कॉलर ट्यून। उसके बाद उस सॉन्ग का जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे। देन गाइस ये वाला जियो ट्यून जो होगा आपका 24 आवर में सेट हो जाएगा विदाउट कोई एनी रीज़न के। सेट होने के बाद आप लोग को अब ये मिलेगा कहाँ से, इतना कर लेने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा आ जाना है अपने माई जियो एप्लीकेशन में, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग का जियो ट्यून सेट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग का ये सॉन्ग अवेलेबल हो जाता है 24 आवर्स में, लेकिन इससे पहले इतना आपको काम करना रहता है, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोग को जियो ट्यून्स में जाना है। जियो ट्यून्स में जाने के बाद सबसे पहले गाइज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो कि इसी तरह के वीडियो आप लोग मिस ना करो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब देखो यहाँ पर क्या करना, अब सिंपल से यहाँ पर उस गाने को सिंपल सा सर्च करना है, ठीक है। अब जिसी तरह यहाँ पर उस गाने को सर्च करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा नेटवर्क सुलो है, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, कंगना होगा तो मैंने कंगना, ठीक है। यहाँ पर ये सॉन्ग का राइट नाम जो होगा ना वो सही से लिखना, गलत लिखोगे देखो वो ओनो लिख देगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो सॉन्ग कहाँ पर आया था मेरा 24 आवर्स के बाद। तो देखो गाइस यहाँ पर अब आपको सिंपल सा स्क्रॉल करके धीरे धीरे नीचे जाके खोजना है कि वो सॉन्ग हमारा है कहाँ, ठीक है। लेकिन इतना पहले उतना वर्क कर लेना, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पर ये वाला सॉन्ग हमारा अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोग सिंपल सा सेट कर लेना, सेट एज जियो ट्यून पे क्लिक करके। तो